बच्चों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक। एनसीईआरटी का एनसीईआरटी पुस्तक से सीबीएसई की हिंदी पाठ्य पुस्तक, इस वर्ष से रैदास के पद, और ये कक्षा 9 का चैप्टर है। और इसका आज हम फुल एक्सप्लेन करेंगे रैदास जी का जीवन परिचय के बारे में। तो आइए जान लेते हैं रैदास जी के जीवन परिचय के बारे में कि रैदास जी का जीवन परिचय क्या है सबसे पहले, और इसके बारे में फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर, फिर इसके पदों की व्याख्या भी जानेंगे। सबसे पहले रैदास जी का जन्म का विख्यात संत हुए, और ये संत रविदास जी के इनका नाम माना जाता है, इनका दूसरा नाम रविदास जी कहा जाता है इन्हें। और इनका जो जन्म है वो 38 को बनारस में हुआ। और संत कबीर किस हमारे संत जो कबीर जी हैं उनके समकालीन इनको माना जाता है। तो रैदास जी की ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था। संत कुलभूषण कवि रविदास जी उन महान संतों में अग्रणीय हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। रैदास जी ने ऊंच नीच की भावना और ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया, और उन्होंने सबको परस्पर मिलकर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने को का उपदेश दिया। उनका विश्वास था कि राम कृष्ण करीम और राघव आदि सब एक ही हैं, परमेश्वर के विविध नाम हैं। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार और परहित भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अब इनके पदों की व्याख्या देखते हैं, सब इनके पाठ की व्याख्या देख लेते हैं पदों की। इन्होंने 2 पद इसमें आए हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन पन हम मोरा, जैसे जितवत चंद चकोर, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनई मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, यानी स्वामी रविदास जी। चलिए अब इनके पदों की व्याख्या करते। इस पद में कवि ने भक्त की उस अवस्था का वर्णन किया है जब भक्त अपने आराध्य यानी अपने ईश्वर की भक्ति का रंग पूरी तरह अपने ऊपर से उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो कवि के कहने का अभिप्राय है कि एक बार जब भगवान की भक्ति का रंग भक्त पर अच्छे से चढ़ जाता है, तो भक्त को भगवान की भक्ति से दूर करना असंभव हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे गोपिकाओं को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का रंग चढ़ गया था और वे उद्धव जी के कहने पर भी नहीं मानी थी। तो कवि भगवान से कहता कि हे प्रभु, यदि तुम चंदन हो तो तुम्हारा भक्त पानी है। कवि कहता है कि जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी के बूंद 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 में समा जाती है, उसी प्रकार प्रभु की भक्ति मेरे अंग अंग में समा जाती है। कवि कहते हैं, भगवान से कहता है कि हे प्रभु, यदि तुम बादल हो तो तुम्हारा भक्त किसी मोर के समान है जो बादल को देखते ही नाचने लगता है। कवि कहता है, भगवान से कहता है क्या कि हे प्रभु, यदि तुम चांद हो तो तुम्हारा भक्त उसी चकोर पक्षी की तरह है जो बिना अपनी पलकों को झपकाए चांद को देखता रहता है। कवि कहता है भगवान से कि हे प्रभु, यदि तुम दीपक हो तो तुम्हारा भक्त उसी बत्ती की तरह है जो दिन रात रोशनी देती रहती है। कवि कहता है भगवान से कि हे प्रभु, यदि तुम मोती हो तो तुम्हारा भक्त उस धागे के समान है जिसमें मोतियां पिरोई जा सकती हैं अगर उसका असर ऐसा होता है जैसे सोने में सुहागा डाला गया हो, अर्थात उसकी सुंदरता निखर और भी निखर जाती है। कवि कहता है रैदास जी अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाते हुए कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, यदि तुम स्वामी हो तो मैं आपका भक्त और आपका दास यानी आपका नौकर हूं। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पैराग्राफ देखते हैं, इनका दूसरा पद।
ऐसी लाल तुझ बिन कौ नहीं करे, ऐसा तुम्हारे बिना कोई नहीं कर सकता है। गरीब निवाज कुसैया मेरा माथे छत्रे धरे, अगर मेरा गरीब निवाज यानी मेरे ईश्वर मेरे अल्लाह मेरे माथे पर हाथ रख सकते हैं। जाकी छोटी जगत कौ लागे, पाप पर तू ही ढरे, यानी जिसकी पूरे जगत में सबको समान समझते हैं, नीच ऊंचे ही करे, यानी वो नीच को भी ऊंचा कर देते हैं। मेरा गोविंद काहू तेरे डरे, मेरा गोविंद किसी से नहीं डरता। उन्होंने क्या किया है, नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैन उतरे। नामदेव जी कबीर को और त्रिलोचन साधु को और सदना जैसे कसाई को और सैन जैसे नाई को भी उन्होंने क्या किया, पार उतार दिया। कहते हैं रविदास जी, सुनाऊ रे संतो हर जीव ते सबई सरे। जो संत हैं, संत जी क्या कहते हैं, हर जीव यानी प्रभु को तो सभी सरे। अब इनकी व्याख्या देख लेते हैं। इस पद में कवि भगवान की महिमा का बखान करते हुए कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, मेरे स्वामी तुझ बिन मेरा कौन है। अर्थात कवि अपने आराध्य को ही सब कुछ समझते हैं, सब कुछ मानते हैं। कवि भगवान की महिमा का बखान करते हुए, भगवान गरीबों और दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं, उनके माथे पर सजा हुआ उनका मुकुट उनकी शोभा को बढ़ा रहा है। कवि कहते हैं कि हे भगवान, इतनी शक्ति है कि वे कुछ भी कर सकते हैं और उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की इच्छा के बिना दुनिया में कोई भी कार्य संभव नहीं है। अब रवि रैदास जी कहते हैं कि भगवान के छूने से अछूत मनुष्य का भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने प्रताप से किसी नीच जाति को भी मनुष्य को भी ऊंचा बना सकते हैं। कि भगवान मनुष्यों के द्वारा कर्मों को देखते हैं, न कि किसी मनुष्य की जाति को। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस भगवान ने नामदेव कबीर त्रिलोचन और सदना और सैनु जैसे संतों का उद्धार किया था, वही बाकी लोगों का भी उद्धार करेंगे। कवि कहते हैं कि हे सज्जन व्यक्तियों, तुम सब सुनो, उस हरि के द्वारा इस संसार में सब कुछ संभव है। अब हम आइए, अब हम इसके अब हमने पहले कवि के बारे में जान लिया, उनके पदों के बारे में जान लिया, आइए अब हम इनके पाठ्य पुस्तक के बारे में भी जान लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के रिलेटेड है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन के हैं जो चैप्टर्स के पीछे हुए होते हैं। तो पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीजों से तुलना की गई है उनका उल्लेख पूछा है कि भगवान ने किस चीज, रविदास जी ने किस किस चीज की उनसे तुलना की है। पहले पद में भगवान की तुलना उन्होंने चंदन से की कि प्रभु तुम चंदन हम पानी, चंदन से तुलना की भगवान की तुलना। फिर दूसरा क्या, बादल और भक्त की तुलना की, मोर और भगवान की तुलना की। फिर उन्होंने क्या किया, चांद से और भक्त की तुलना चकोर से की, और फिर भक्त के भगवान की तुलना मोती से और भक्त की तुलना धागे से की है। भगवान की तुलना दीपक से और भक्त की तुलना बाती से की है, और फिर भी उन्होंने भक्त की तुलना सोने से और भक्त की तुलना सुहागे से की है। सुहागा एक प्रकार का वस्तु होती है, खाद्य पदार्थ। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों का प्रयोग से नाद सौंदर्य आया है, यानी नाद सौंदर्य जिसके अंतर्गत तुक मिलते हैं, जैसे पानी समान। इस पद में अंत्य तुकांत शब्द हैं, क्या कौन कौन से हैं, मोरा चकोरा बाती दिन रात धागा सुहागा दासा रैदासा, यानी जो दोनों पद लास्ट में अंतिम पद मिले। पहले पद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध हैं, यानी आपस में मिले हुए हैं, ऐसे शब्दों को छांट करके लिखना है। उदाहरण जैसे दीपक के साथ बाती, चंदन के साथ पानी, घन बन मोरा, चंद चकोरा, सोना ही सुहागा, मिलत सोना ही सुहागा, में जैसे मिलता सोने से सुहागा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कर कीजिए। दूसरे पद में भगवान को गरीब निवाजू कहा गया है क्योंकि भगवान गरीबों और दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे पद की
जाकी छोटी जगत को लागई तापर तुही धरई। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, भगवान के छूने से अछूत मनुष्यों का भी क्या होता है, कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने प्रताप से किसी भी नीच जाति के मनुष्य को भी ऊंचा बना सकते हैं। अर्थात भगवान मनुष्यों के द्वारा किए गए कर्मों को देखते हैं, ना कि किसी की मनुष्य की जाति को। अछूत से अभी भी बहुत से लोग बचकर चलते हैं और अपने आप को धर्म भ्रष्ट हो जाने से डरते हैं, परंतु ये हमारे समाज की सोच है, समाज की स्थिति दयनीय है। ऐसे लोगों का उद्धार भगवान ही करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है। रैदास ने अपने स्वामी को गुसैया गोसाई और गरीब निवाज, जो गरीबों का उद्धार करने वाला, पुकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। मोरा चंद बाती ज्योति बरे राती छत्रु छौती तुही गुसैया। उत्तर देख लेते हैं, मोर का मोरा, चंद चांद, बाती दिन राती, ज्योति का है ज्योति, बरई माने जलना, राती माने रात, छत्रु माने छाता, छोती माने छूने से, तुही माने तुम्ही, गुसैया माने गोसाई यानी भगवान ईश्वर। नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जाकी अंग अंग बास समानी, भगवान कुछ चंदन के समान है जिसकी सुगंध अंग अंग में समा जाती है। रैदास अपने प्रभु से अनन्य भक्ति करते हैं और वे अपने आराध्य प्रभु से क्या कहते हैं कि संबंध विभिन्न रूपों में जोड़कर उनके प्रति अनन्य भक्ति प्रकट करते हैं। रैदास जी अपने प्रभु को चंदन और दुख का पानी बताकर उससे घनिष्ठ संबंध जोड़ते हैं। जिस तरह चंदन और पानी से बना लेप अपनी महक बिखेरता है, ठीक उसी प्रकार प्रभु भक्ति और प्रभु कृपा के कारण रैदास का तन मन सुगंध से भर उठा है, जिसकी महक अंग अंग को महसूस हो रही है। जैसे चितवत चंद चकोर, जैसे चितवत चंद चकोर, जैसे चकोर हमेशा चांद को देखता रहता है, वैसे कवि भी भगवान को देखते रहना चाहता है। रैदास अपने आराध्य प्रभु से अनन्य भक्ति करते हैं, वे अपने प्रभु के दर्शन पाकर भी प्रसन्न होते हैं। हे प्रभु, उनकी अनेक आंखें तृप्त होती हैं। तो वे कहते हैं, जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा को निहारता रहता है, चकोर एक पक्षी होता है, वो चंद्रमा की चांदनी को बहुत ज्यादा, पूरी रात उसकी चंद्रमा की चांदनी में वो खो जाता है, मन मुक्त हो जाता है, वो उस दिन पूरी रात चंद्रमा की चांदनी को देखता रहता है, उसी प्रकार वे भी अपने आराध्य का दर्शन करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जाकी ज्योति बरे दिन राती, इसका आशय क्या है, इसका स्पष्टकरण करें कि भगवान यदि एक दीपक है तो भक्त उस बाती की तरह है जो अपने प्रकाश देने के लिए दिन रात जलती रहती है। यानी भाव यह है कि अपने आराध्य प्रभु से अनन्य भक्ति और प्रेम करने वाले को प्रभु को दीपक और खुद को उसकी बाती मानता है। जिस प्रकार दीपक और बाती प्रकाश फैलाते हैं, ठीक उसी प्रकार कभी अपने मन में प्रभु भक्ति की ज्योति जलाए रखना चाहता है। नेक्स्ट है, ऐसी लाल तुझ बिन कौनी करे कि हे, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। भगवान कहते हैं, इसका तात्पर्य है, भगवान इतने महान होते हैं कि वह कुछ भी कर सकते हैं। भगवान के बिना कोई भी व्यक्ति का कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक भगवान नहीं चाहता, तो प्रभु की दयालुता, प्रभु की उदारता, गरीबों से विशेष प्रेम करने के विषय में रविदास जी कहते हैं कि कवि बताता है, हमारे समाज में स्पृश्यता के कारण जिन्हें कुछ लोग छूना भी पसंद नहीं करते, छूना छूत ज्यादा समझते हैं, उन पर टिप्पणी की, उन पर व्यंग किया कि दयालु प्रभु असीम कृपा करता है, प्रभु जिस पर जैसी कृपा करता है उसे कोई नहीं करता। प्रभु कृपा से अछूत समझे जाने वाले लोग भी आदर के पात्र बन जाते हैं, क्योंकि वे भक्ति करते हैं। नेक्स्ट है, नीच उच्च करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। अरे मेरा गोविंद तो
नीचे को ऊंचा कर दे, मेरा गोविंद किससे डरने वाला नहीं है। भगवान यदि चाहे तो निचली जाति में जन्म लेने वाले व्यक्ति को भी ऊंची श्रेणी दे सकते हैं, क्योंकि भगवान कर्मों को देखते हैं, जाति को नहीं। संत रैदास जी के प्रभु अत्यंत दयालु हैं, समाज के दीनहीन गरीबों और लोगों पर उनका प्रभु विशेष दया दृष्टि रखता है। प्रभु की दया पाकर नीच व्यक्ति भी ऊंचा बन सकता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में किसी का डर नहीं रह जाता। अर्थात क्या है, प्रभु की कृपा पाने को नीच समझा जाने वाला व्यक्ति भी ऊंचा और निर्भय हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रैदास के पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। पहले पद का केंद्रीय भाव यह है कि राम नाम की रट अब छूटे नहीं सकती। इनका केंद्रीय भाव क्या है, रैदास जी का केंद्रीय भाव कि इन्होंने किस चीज पर फोकस किया है, इन्होंने भक्ति पर किया है। और उन्होंने कहा, रैदास जी ने राम नाम का जो राग है अंग अंग में समा लिया है, वह उनका अनन्य भक्त बन चुका है। प्रभु दीन दयालु हैं, कृपालु हैं, सर्व समर्थ है तथा निडर हैं। वे अपनी कृपा से नीच को भी क्या कर सकते हैं, ऊंचा बना सकते हैं, वे उद्धार करता है। ये इसका केंद्रीय भाव है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। अब हम इसके चैप्टर्स के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो पेपर्स में आते रहते हैं, उनको भी मैंने ये कलेक्ट किया हुआ है ताकि आप कोई भी चैप्टर करें उस चैप्टर को पूरा क्लियर करें। पहले हमने रैदास जी के बारे में जाना, फिर उनके पदों के बारे में जाना, फिर उनके एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन को देखा जाना। अब हम इसके इस चैप्टर से जो रिलेटेड अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेन मेन क्वेश्चंस कुछ मैंने लिए हैं, उनको देख लेते हैं। रैदास जी द्वारा रचित अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी को प्रतिपाद्य लिखिए। रैदास द्वारा रचित अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी में अपने आराध्य के नाम की रट की आदत न छोड़ पाने के माध्यम से कवि ने अपने अटूट एवं अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है। इसके अलावा उसने चंदन पानी, दीपक पाती और आदि अनेक उदाहरणों को द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त पाने और अपने स्वामी के प्रति दास्य भक्ति को स्वीकारोक्ति की है। रविदास द्वारा रचित कैसे झूले राम नाम है, प्रतिपाद्य बताइए, प्रतिपाद्य कहते हैं, इसका पूरा विवरण दीजिए कि रविदास द्वारा अब कैसे झूले राम नाम रट लगा। अब कैसे झूले भगवान की राम नाम की जो रट लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैदास ने अपने लाल की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया। रैदास ने कहा है कि लाल की विशेषता बताते हुए उन्होंने गरीब, निवाजु, दीन दयालु और गरीबों का उद्धारक बताया है। कबीर के लाल नीची जाति वालों पर कृपा करके उन्हें ऊंचा स्थान देते हैं और अछूत समझने वालों का वे उद्धार करते हैं, तो ये भक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं, कवि रैदास जी किन किन संतों का उल्लेख अपने काव्य में किया है, उन्होंने क्या किस किस का किया है। उन्होंने कहा, नामदेव को, कबीर दास जी को, त्रिलोचना को, सदना जैसे कसाई को, सैन जैसे नाई को। ये इनकी स्टोरी है जो जिन्होंने भगवान की वंदना की थी और उनका उद्धार हुआ। उल्लेख अपने काव्य में किया, अपने पंक्तियों में किया, अपने पद में किया। इसका उल्लेख के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि उसके प्रभु गरीबों के उद्धारक हैं। उन्होंने गरीबों और कमजोर लोगों पर क्या किया हुआ, कृपा करके समाज में ऊंचा स्थान दिलाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कवि ने गरीब निवाजु किसे कहा गया है और क्यों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, बार बार पेपर में आता है कि कवि ने गरीब निवाजु किसे कहा है और क्यों कहा है। कई बार आता है गरीब निवाजु किसे कहा है और क्यों, तो कवि ने गरीब निवाजु अपने आराध्य प्रभु को कहा है और उन्होंने गरीब और कमजोर समझने जाने वाले को अछूत कहलाने वाले का उद्धार किया है। इससे उन लोगों में समाज में मान सम्मान, ऊंचा स्थान मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पठित पद में के आधार पर स्पष्ट कीजिए
कि रैदास की जो प्रभु के साथ अटूट संबंध है इसका क्या तात्पर्य है। कथित पद से ज्ञात होता है कि रैदास को अपने प्रभु के नाम राम नाम की रट लग गई है और जो अब छूट नहीं सकती है। इसके अलावा कवि ने अपने प्रभु को चंदन बादल चांद मोती और सोने के समान बताते हुए स्वयं को पानी मोर चकोर धागा और सुहागे के समान बताया है। धागा है ये। इन रूपों में अपने प्रभु के साथ एकाकार हो गया, एकाकार यानी मिलन हो गया प्रभु के साथ। उन्होंने कहा कि मैं हमें प्रभु के साथ इस तरह से मिल चुके, हमारे अंग अंग में बसे हुए हैं प्रभु। इसके साथ रविदास जी कहते हैं कि अपने प्रभु को स्वामी बनाकर उनकी भक्ति करते हैं। इस तरह उनका प्रभु के साथ अटूट संबंध है। रैदास जी ने हरजीव किसे कहा है और काव्यांश के आधार पर हरजीव की विशेषताएं लिखी है। रविदास जी लिखते हैं कि हरजीव अपने आराध्य प्रभु को संबोधित किया है। कैसे? कवि का कहना है कि उनके हरजीव के बिना समाज के कमजोर समझने जाने वाले को स्नेह और प्यार कर ही नहीं सकता, समाज नहीं कर सकता, परंतु प्रभु तो कर सकते हैं। ऐसी कृपा करने वाले कोई और नहीं हो सकते, सिर्फ हमारे समाज के अजूल समझने वाले, नीच कहलाने वाले, मुझे कोई स्थान और मान सम्मान दिलाने का काम कवि ने किसको कहा है? हर जीव को कहा है, यानी ईश्वर को कहा है, अपने इस ईश्वर को कहा है। ठीक है, उसके हर जीव की कृपा से सारे कार्य पूरे हो सकते हैं। और हर जीव है कौन? हर जीव हमारे प्रभु हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। रैदास द्वारा रचित दूसरे पद में ऐसी लाल तुझ बिन कौ नहीं करे को प्रतिपाद्य फिर से लिखे है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, प्रतिपाद्य बच इससे ऐसे क्वेश्चन से बच के रहना चाहिए, यानी बच के यानी कि इनको कंप्लीट कर लेना चाहिए जब भी आए, क्योंकि ये आते ही रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलिए और देख लेते हैं, प्रतिपाद्य लिखिए। तो रविदास जी द्वारा रचित इस पद में उनके आराध्य की दयालुता और दीन दुखियों के प्रति विशेष प्रेम का वर्णन है। कवि का प्रभु गरीबों से जैसा प्रेम करता है वैसा कोई और नहीं करता। वह गरीबों के माथे पर राजाओं सा छत्र धरता है, अछूत समझने जाने वाले वर्ग पर भी कृपा करता है, वह नीच समझे जाने वालों पर कृपा करके क्या करता है? ऊंचा बनाता है। उसने अनेक गरीबों का उद्धार कर यह दर्शा दिया है क्या कि उसकी कृपा से सभी कार्य सफल हो जाते हैं। तो बच्चों ये आज हमने CBSE की बोर्ड की NCERT पाठ्य पुस्तक इस पृष्ठ से हमने आज एक क्वेश्चन आंसर देखे। पहले हमने रैदास जी का जीवन परिचय देखा, बार बार जीवन परिचय भी पूछ लेते हैं, उसके पद भी पूछ लेते हैं, फिर अपने पदों की व्याख्या भी पूछी देखी, और NCERT की जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देखा हमने। और उनके बाद जो हर साल पूछे जाते हैं पेपर में क्वेश्चंस, उनको भी हमने संग्रहित करके इस वीडियो में आपके पास पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, एसेसिबल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर के आप नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।